कार्तिक माह की एकादशी को निकलने वाली लघु पंचकोशी यात्रा ओंकारेश्वर से अंजरुद्ध होते हुए सनावद पहुंची जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए नर्मदे हर के नारे से पूरा नगर गूंज उठा प्रातः पांच बजे से ही नगर में यात्रियों का आगमन हो चुका है दो दर्जन से भी अधिक स्थानों पर सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के, के द्वारा पंचकोशी यात्रियों के लिए जगह जगह स्टॉल लगाकर चाय पानी व स्वहार की निःशुल्क व्यवस्थाएं की जा रही हैं नगर पालिका के द्वारा यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था खरगोन स्थित मंडी प्रांगण व नगर की शासकीय स्कूलों व धर्मशालाओं में की गई है यात्रा का दूसरा पड़ाव टोकसर रहता है जहाँ द्वारा यात्रियों को नर्मदा पार कर सेमरला लाया जाता है हमारे संवाददाता नीलेष मालाकार ने भी पंचकोशी यात्रियों से चर्चा की माँ नर्मदा की पंचकोशी यात्रा देवी एकादशी से प्रारंभ हो चुकी है हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यह यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ है साजापुर जिले के पंचकोशी यात्री साजापुर में आप कहाँ रहते हैं कितने समय से आप यह परिक्रमा कर रहे हैं मेरे को। कोई कितने लोग आए हुए हैं आपके वहाँ ऐसी तेरह लोग हैं तेरह लोग हैं कोई संकल्प है या किस उद्देश्य को लेकर आप परिक्रमा कर रहे हैं बिना परिक्रमा कर रहे हैं इस परिक्रमा मार्ग में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको स्वास्थ्य पेयजल की कोई व्यवस्था सब ठीक ठाक है सब ठीक ठाक है जगह जगह पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीम के द्वारा स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है कर रहे पर हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है टोक्सर पहुंचेंगे टोक्सर में मां नर्मदा का पार करके आप जाएंगे हमें पुल की आवश्यकता महसूस होती है कि पुल होना चाहिए हाँ, हाँ होती भी तो भी है पुल तो 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 की नाव के माध्यम से बड़ा रिस्क है हाँ बड़ा रिस्क है नाव से पाव से नुकसान हो सकता कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है नाव में पुलिया होना चाहिए पुलिया होना चाहिए कहाँ पर वो तो जो टोक में जो तो नाव में बैठते हैं ना उस पार करते हैं वहाँ के बीच में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बार पुनः टोकसर में मां नर्मदा के ऊपर एक पुल की मांग पंचकोसी यात्रियों के द्वारा की जा रही है लघु पंचकोसी यात्रा ओमकारेश्वर से प्रारंभ हो चुकी है यात्रा का पहला पड़ाव सनावद रहता है सनावद में पंचकोशी यात्रियों का आगमन सुबह पाँच बजे से जारी है हमारे साथ है कई पंचकोशी यात्री जिनसे हम चर्चा करते हैं आप कितने समय से यात्रा कर रहे हैं भैया हम पाँच साल से यात्रा कर रहे हैं आ, किस संकल्प को लेकर आप ये यात्रा कर रहे हैं भैया ने हमारा बेड़ा पार कर दिया इसलिए आ, या आप यात्रा करते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको पार लगाने वाली मैया है व्यवस्था किस प्रकार की रहती है प्रशासनिक अधिकारियों के पानी स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहती है। आ, आप यहाँ से सनाव ऐसी टोकसर जाएंगे टोकसर से आपको नाव के माध्यम से पार करना पड़ता है हाँ। तो ऐसा लगता है कि की वहाँ पे एक पुल की आवश्यकता है पुल बनना चाहिए आवश्यकता तो है पर बाकी जो नाव चलाते हैं फिर उनका कैसे जीवन यापन होगा अगर सब यात्री अपने अपने सोचने लगेंगे तो बाकी आवश्यकता आती है उसकी आ, पांच साल का आपका सं, संकल्प उसके बाद भी यदि मैया आपको तो आप यात्रा करेंगे बिल्कुल किस गांव तो, किस गांव से आए हैं आप हम यहाँ सनावत के पास से ही हैं कौन सा गांव सता जाना ठीक है ये हमारे साथ थे पंचकोशी यात्री जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतर है माँ श्री नर्मदे हर के नारे से पूरा शहर गूंज उठा है ओंकारेश्वर से चालू हुई परिक्रमा सनावत पहुंच चुकी है हमारे साथ है परिक्रमावासी माता जी आप कितने समय से परिक्रमा कर रहे हैं आज आज से की पहले से नहीं कितने सालों से कर रहे हैं दो सालों के दोस्त दो कहाँ रहते हैं आप बेड़िया तो आज सनावत है सनावत के बाद आप टोक्सर जाएंगे क्या कोई संकल्प लेकर कर रहे हैं नहीं। कैमरा पर्सन राहुल ठाकुर के साथ सनावत से नीलेष मालाकार